शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार का अपडेट और इसके साथ साथ राशिफल भी। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे राशिफल की, जानेंगे कि आज राशि के आधार पर क्या आज आप मुनाफा कमा सकते हैं, क्या आज आपकी जेब में पैसा आना लिखा है और किन राशियों को आज बचकर चलने की जरूरत है, संभल कर चलने की जरूरत है। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश शाठी जी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम सीवी के टीवी के कई प्रयासों से ये शो 11 मार्च 2022 आप तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कम्युनिटीज में होने वाली हलचल, शेयर बाजार के अंदर क्या हो सकता है और नॉन एग्रो कम्युनिटीज के अंदर बुलियन मेटल या क्रूड के अंदर क्या संभावना बनती है। इससे पहले मैं आगे चलूँ, पिछले एपिसोड पे हम लोग ने क्या चर्चा की थी उसमें चर्चा कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जीरा और धनिया के ऊपर बात करी थी जो की सत्य साबित हुई। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा बुलियन के अंदर हमने आपको इशारा दिया था कि शॉर्ट मत करना, बिकवाली मत करना और कल सोने और चांदी में एक बात सुना है जबरदस्त मुनाफा कमा के निवेशकों को दिया। शेयर बाजार के अंदर भी जो हमने आपको शेयर सेक्टर नजर रखने के लिए कहा था, सभी ने जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया। उम्मीद है कि सभी दर्शक बंधु बहुत इसमें ध्यान से उन्होंने किया होगा। जवाब सीट के पर भी हमारी चर्चा जो काफी सार्थक प्रस्तुत हुई। आज क्या संभावना बनती है उससे पहले आज का राशिफल, मतलब है की आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं, बाजार तेज है या मंदी, क्या आपके लिए मुफीद है। भारतीय ऋषियों ने 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष। अग्नि तत्व की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि। दोस्तों, ऋषियों के इस अद्भुत बैलेंसिंग ऑफ द एलिमेंट यानी तत्वों का सही समायोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अग्नि तत्व का संबंध यदि जल तत्व की कमोडिटी से हो जाए तो निश्चित रूप से आप उसमें पूरी तरह से कमा नहीं सकेंगे, और यदि जल तत्व के व्यक्तियों का संबंध पृथ्वी तत्व की कमोडिटी से हो जाए तो निश्चित माने आप उसके अंदर कोबारा कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग का ही खेल है, चाहे वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हो, या फिर पति पत्नी हो, साझेदार हो, या फिर व्यापार बसना है। एक इंजीनियर से आप डॉक्टर की बात करें या डॉक्टर से इंजीनियरिंग की बात करें तो बेमेल हो जाता है। फुटबॉलर से अभी क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए तो वो शौकिया तो खेलेगा लेकिन प्रोफेशनल नहीं खेल सकता। उसी का सभी कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो दो साझे, तो यही बैलेंसिंग का खेल है। तो आज सबसे पहले 1-5-9 मेघ, सिंह और धनु राशि, निश्चित रूप की तरह इशारा 12-13 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6 और 10 यानी ये है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुनाफा आपकी तरफ आ सकता है, मुनाफा बड़ा कमा सकते हैं आप, लेकिन 1-2 बजे के बीच में आप ध्यान रखिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यह है वायु तत्व की राशियां, मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही है, 2-3 महीने के बीज में रखिए अपनी सावधानी। 4, 8, 12 जी हाँ, जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपके लिए मुफीद नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। बड़े ट्रेडिंग डिसीजन को ध्यान से लें, एक बार पुनः विचार कर लें, विशेषकर 3 से 4 बजे के बीच। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान और जी। कर्नल अजय जी, इसके साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से अगर आप कम्युनिटी बाजार की, तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है एग्री कम्युनिटीज में, कैस्टर में आपको क्या लगता है, अब कैस्टर में कैसा रुझान रह सकता है। देखिए, कैस्टर के अंदर आज मजबूती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये तेजी की संभावना बताई है और इसका उत्पादन भी थोड़ा कम है, डिमांड बिल्कुल लगातार है, उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे लेकिन कैस्टर के अंदर हमें तेजी की संभावना नजर आ रही जी।
इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से, अगर कपास खली की बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से सीमित दायरे में ही है, सुस्ती के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, तो बिनौला खल में आज कैसा रुझान रह सकता है? देखिए बिनौला खल क्योंकि ये एक पशुपालक हो या डेयरी उद्योग वाले हो या फिर किसान या फिर व्यापारी और इंडस्ट्रीज, इन सभी का ध्यान इसके ऊपर रहता है, क्योंकि ये सबसे प्रचलित और पशु आहार में है और इसका सीधा संबंध कॉटन से भी होता है। तो देखिए कपास खली के अंदर जो 3400 से ऊपर के भाव के बाद में 3000 से नीचे के भाव रहे, ये जो 10-12% की जो फ्लक्चुएशन रही, इसके अंदर काफी लोगों को परेशान किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कपास खली के अंदर जो भी व्यापारी धैर्य से ट्रेड कर रहे हैं उनको मुनाफा भी बहुत जबरदस्त मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मुझे कपास खली के अंदर मजबूती की संभावनाएं नजर आती है। जी यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अब यहाँ पे नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में सोने चांदी में देख रहे हैं फिर से कीमतें बढ़ोतरी की ओर ही जा रही हैं, 2000 तक हमने कीमतों को फिर से जाते हुए देखा है, हालांकि जो अपना उच्चतम स्तर था उसको टच नहीं कर पाया सोना इंटरनेशनल मार्केट में और घरेलू में भी। अब यहाँ से आपको क्या लगता है सोने चांदी में अब क्या चाल रहेगी? देखिए जहां तक गोल्ड सिल्वर की बात है 52816 के आसपास ही चल रहा है, गोल्ड करीबन 20% गिरावट पे है और सिल्वर भी गिरावट पे है 0.232। और मुझे लगता है कि आज बुलियन के अंदर वॉलेटिलिटी काफी रहने की संभावना है, छोटे कारोबारी इससे बचे तो बेहतर रहेगा। और क्योंकि बुलियन के अंदर जब टाइम बाइंग का होता है तो वो निचले स्तर पे जब भी बाइंग नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने की संभावना है, इससे बचने की सलाह है। जी ये से कर्नल अजय जी बात करें अब क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं प्राइसेस पहले से भी ज्यादा गिरते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कच्चा तेल $100 के नीचे भी पहुंच सकता है अब? देखिए कच्चे तेल में $100 से नीचे जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक या दो दिन के अंदर तो मुश्किल है, उसमें मुश्किल लगता है कि कोई बड़ी कोई गिरावट हो जाए, लेकिन जो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन चल रहे हैं वो अब लगभग समाप्ति की और धीरे धीरे अग्रसर होने चाहिए। आपको याद होगा कि अपने हमें सबसे पहले आपको मार्केट टाइम्स की जनरल के ऊपर रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी का एक अग्रिम अनुमान विश्लेषण दिया है और उसमें यही कहा है कि 20 तारीख तक आप देखें जो काफी हद तक जो मसले हैं वो सुलझने की संभावना है, और जितने भी प्रतिबंध रूस पर लगे हैं जो पश्चिमी देशों ने लगाए हैं, अमेरिका ने लगाए हैं, यूरोप ने लगाए हैं, इसका पूरा असर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ रहा है, क्योंकि खाद यानी फर्टिलाइजर के भाव आसमान छू सकते हैं, क्योंकि यूएस और यूक्रेन फर्टिलाइजर का सबका जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है उसको सप्लायर है। वीट के अंदर इसके अंदर भी परेशानी आ सकती है, विशेषकर यूरोप की इकोनॉमी काफी हद तक परेशानियों में बढ़ सकती है यदि ये लड़ाई लंबी चलेगी और प्रतिबंध जारी रहे, क्योंकि प्रतिबंध लगाने के साथ साथ यदि किसी सभी की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है तो वो बहुत लंबे समय तक अक्सर वो प्रतिबंध लग नहीं पाते। यदि इसको ऐसा भी समझा जा सकता है बहुत साधारण भाषा में, यदि आप 4 दिन के भूखे हैं और आपको ये कहा जाए कि आपको और 6 दिन खाना नहीं मिलेगा विरोध स्वरूप, तो बहुत कम लोग होंगे कि उसको रोक पाएंगे, क्योंकि एक सीमा से अधिक अभी तो दिक्कत आती है तो इससे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट आता है। और रशिया का जो मानना है उसका एक सीधी एक डिमांड है कि यूक्रेन नीटो में शामिल नहीं हो, तो यूक्रेन को यूक्रेन नीटो के अंदर शामिल हो उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़े, ये एक तर्कसंगत बात बिल्कुल निकलने की आती है, क्योंकि बाकी और कोई बड़ी शर्त नहीं है सिवाय इसके कि जो ये ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर कुछ जो राज्य स्वतंत्रता मांग रहे हैं छोटे से, उसको रूस ने मान्यता दी है अभी और बाकी वर्ल्ड ने नहीं दी है, वो एक अलग से मसला हो सकता है। लेकिन मेन जो रूस का जो कहना है कि यूक्रेन नीटो में शामिल ना हो, ये इसकी सिर्फ इस एक शर्त के ऊपर लड़ाई थम सकती है, लेकिन यदि इसको ये यूक्रेन हथधर्मी में लगे, पूरा वर्ल्ड उसको सपोर्ट करे और उसका खामियाजा यूरोप एशिया अमेरिका रशिया पूरा वर्ल्ड झेले,
ये उचित नहीं है। और जो चीज उचित नहीं होती है उसको ये यानी देर सवेर उसको मानना ही पड़ता है। ये बात भी जरूरी है कि क्योंकि ये जियो पोलिटिकल टेंशन पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका सीधा सीधा असर एग्रो कमोडिटीज पे सबसे अधिक पड़ रहा है, इसका सीधा सीधा असर मेटल पे पड़ रहा है, इसका सीधा सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ रहा है। अभी हम इसको नहीं समझेंगे, नहीं इस पे विश्लेषण करेंगे, इस पे बात करेंगे तो हम मेन स्ट्रीम पे हट जाएंगे। तो कुल मिला के यही है कि 20 तारीख के आसपास तक ये काफी हद तक ये समझने की उम्मीद लग रही है और उम्मीद है कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि जल्दी ये मसला सुन ले क्योंकि एक जरूरत से ज्यादा भी तेज होगा। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक शायद कल तक या रात तक या कुछ तेल और डीजल के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है और यदि ये डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते ही पूरे देश के अंदर हर चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। इससे आम जन चाहे वो किसान हो चाहे उपभोक्ता हो एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या छोटे मझोले व्यापारी हो सबको बड़ी परेशानियां का सबक मिलेगा। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है यूरोप का भी और हमारा भी, तो इसलिए ये इससे जल्दी निर्णय हो ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और इसका असर बाजारों पे भी पड़ सकता है, मेटल के ऊपर पड़ने की पूरी संभावना है। अभी आज फ्राइडे है, शुक्रवार, अगला सप्ताह एक महत्वपूर्ण घटना की तरह इशारा हो रहा है जिसकी मैं खुलासा मार्केट टाइम्स के दर्शकों के लिए करता हूँ। दोस्तों याद रखिएगा मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर मैंने हमेशा प्रयास ये किया है कि आपको कुछ ऐसी आगे की चीजें बोलूं जो आपके लिए मुफीद हो और आप मुनाफाकारी हो। अगला सप्ताह मेटल का होगा, अगला सप्ताह 14 मार्च सन 2022 जो है आप नोट करके रखें दर्शकों। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं 11:30 11:15 के आसपास आप नोट करके रखिए, अगला सप्ताह कॉपर के लिए होगा। अगला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें कॉपर के अंदर बड़ी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मैं खुलासा मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर आज बड़े विश्वास के साथ करता हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी जानकारियां जो भी रणनीतियां हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये प्योर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर है, बाजार की सूचनाओं के आधार पर है, इंफॉर्मेशन की गैदर और उसकी एनालिसिस के आधार पर है। किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान की जिम्मेदारी ना मार्केट टाइम्स ना मेरी होगी। हमारा काम आपको सिर्फ एक एनालिसिस प्रस्तुत करना है, ट्रेडिंग डिसीजन नफा नुकसान कैपेसिटी वो आपकी स्वयं की होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अधिक जाकर काम बिल्कुल ना करे, क्षमताओं के आधार पर काम करे तो निश्चित रूप से आप जीत जाओगे और यदि क्षमता से बढ़कर काम किया, ग्रीड यानी पैनिक यानी लालच और घबराहट में काम किया और निश्चित माने ये बाजार आपको माफ नहीं करेगा। अपना उचित स्टॉप लॉस लगाए, टाइम पे मुनाफा वसूल करें तो हमेशा ही बेहतर रहेगा। ये जी कर्नल जी, इसके साथ कर्नल अजय जी रुख करें अगर आज की स्टॉक मार्केट की ओर तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या संभावनाएं लग रही है? स्टॉक मार्केट में देखिए 5 राज्यों की जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, जल्दी हमने कहा था कि छत्र भंग राज्यों हो रहा है, देखिए कांग्रेस का पंजाब में सूखा साफ हो गया, बीजेपी और श्री शिरोमणि अकाली दल भी लगभग आपके सामने बिल्कुल बने साबित हुए और यूपी के अंदर मणिपुर उत्तराखंड गोवा के अंदर बीजेपी ने अपना परचम फहराया, ये बहुत अच्छा रहा। और कल आपने देखी बाजार ने इसको कल तुरंत हाथों हाथ लेने का प्रयास भी किया था लेकिन उसके बाद फिर ऊपरी स्तरों पर गिरावट भी हुई थी और आज उसका कुछ भी आंशिक असर बाजारों पर नहीं नजर आ रहा है। मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल स्तर से ट्रेड कर रहा है और जो डॉलर रुपी भी है वो 76.40 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के अभी आज शेयर बाजार के अंदर जो स्थिति है वो जियो पोलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल टेंशन को ज्यादा गवर्न हो रही है, लोकल सेक्टर इसके अंदर कौन नजर आ रहे हैं क्योंकि जब तक FII वापस नहीं आएंगे, विदेशी संस्थागत निवेशक वापस नहीं आएंगे, जब तक बाजारों के अंदर एक बड़ी गति मिलना मुश्किल है और विदेशी संस्थागत निवेशक नॉर्मली जब तक कोई टेंशन रहता है उसके अंदर अपना बचने का प्रयास करते हैं और
आपको जो शो पहले मैंने पूरा डिटेल भी आपको दिया था पिछले छह महीने का कि अक्टूबर की पिछले छह महीने के अंदर कितने लाख करोड़ इन्होंने निकाले हैं और उसका असर बाजारों पे हमारे बाजारों पे दिखाई दिया है। तो ये क्योंकि विदेशी निवेशक बहुत बारीकी से बाजारों को नजर देखते हैं और अपना टाइमली प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और जब तक वो बाजार नीचे के स्तर पर नहीं आ जाता है उसके अंदर दोबारा एंट्री नहीं करते हैं। और घरेलू संस्थागत निवेशक इतने सक्षम नहीं है कि वो विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिखवाली का जवाब पूरी तरीके से दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बाजार है वो बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है क्योंकि ग्लोबल कैपिटल मार्केट जो है तो काफी तेजी से गिरे हैं, उसमें हमारा भी ये शामिल है, लेकिन इसमें कोई घबराने हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेटल स्टॉक के ऊपर नजर रखें, मेदांता हिंडाल्को हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं, ये निचले स्तर पर खरीदे जा सकते हैं, अगले सप्ताह संभवतः इसमें तेजी दिखाई दे। और फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर भी आप नजर रख सकते हैं, इसके अलावा शुगर स्टॉक आपको याद होगा हमने अच्छी बात कही थी तो शुगर स्टॉक में भी अच्छी मूवमेंट थी, तो आप शुगर में अभी भी जान बाकी है, शुगर स्टॉक द्वारके शुगर है, बलरामपुर चीनी है, श्रीवरी का शुगर है, पराग है, इनके ऊपर आप नजर रखें, मेटल स्टॉक में जानता है हिंडाल्को हिंदुस्तान कॉपर जिंक इन पर नजर रखें, तो मैं समझता हूँ वॉलेटाइल बाजार में भी कुछ कमाई की जा सकती है, लेकिन पुनः क्षमता स्टॉप लॉस और टाइमली प्रॉफिट बुक करना निहायत ही जरूरी होता है। ये अकेले जी कहना चाहिए। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए व्यस्त नहीं, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।